अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। मोहब्बत के ताबीज़, अम्ल, वजीफ़े मेरे इस चैनल पर बहुत से मौजूद हैं। इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए एक और बेशकीमती नक्श मोहब्बत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। इस नक्श के इस्तेमाल से आप किसी को भी एक नाम बोलते ही अपने ऊपर फिदा कर सकते हैं, यानी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं। एक नाम बोलते ही सामने वाला आपका गुलाम हो जाएगा। पत्थर दिल को भी मोम कर देने वाले इस नक्श का इस्तेमाल बड़ा ही आसान है और किसी भी तरह का कोई ख़तरा भी नहीं है। आसान अमलों के सिलसिले में तावीज़ 786 चैनल आपके लिए बेहतरीन अमल और ताबीज वजीफे लाता रहता है। इसलिए आप सभी देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस अमल नक्श का इस्तेमाल आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये नाम पढ़ना है, या बुद्धू। आपके या बुद्धू कहते ही सामने वाला बिल्कुल नर्म हो जाएगा। आपके सामने जो भी गिले शिकवे शिकायत हैं वो भूलकर आपके सीने से लग जाएगा। ये नक्श अमल प्यार मोहब्बत को हासिल करने का बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है। इसके अलावा या बुद्धू का विर्द करने वाले के पास कभी भी रुपये पैसे की दिक्कत भी पेश नहीं आती। आपको अगर या बुद्धू की फजीलत का जरा सा भी अंदाज़ा है, इसकी अहमियत क्या है ये आपको पता होगी, तो आप इस वीडियो को खुद ही लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। बहुत ही अफजल ये अमल है, आप इसे शेयर लाजमी कर दें। नक्श इस तरह से बनाना है, आपको इस तरह से दो नक्श बना लेने हैं। एक नक्श ये है पहला, इसके बाद दूसरा नक्श ये है। आपको सबसे पहले ये वाला नक्श भरना है, ये एक नंबर नक्श है और ये दो नंबर नक्श है। एक नंबर नक्श आपको सबसे पहले भरना है, आपको 786 यहाँ पर लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीन लिख देना है। सीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो चश्मी है दो चश्मी है लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अलिफ लिख देना है। इसके बाद आपको दूसरा नक्श भरना है। आपको मैं बता दूँ, इस नक्श को आप कभी भी, इन दोनों नक्शों को आप कभी भी और किसी भी पाक जगह पर लिख सकते हैं। नक्श लिखने से पहले आपका पाक साफ होना ज़रूरी है। इन नक्शों को आप किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी दिन इस नक्श को बना सकते हैं। नक्श दिन के किसी भी वक्त बना सकते हैं, यानी सुबह फज्र की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज से पहले तक, इस बीच के वक्त में इन दोनों नक्शों को आप बना सकते हैं। इन दोनों नक्शों को ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नक्श में भी 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है अलिफ, यहाँ पर लिखना है लाम, यहाँ पर लिखना है मीम और यहाँ पर आपको रे लिख देना है। इस तरह से ये आपके नक्श मुकम्मल हो जाते हैं। नक्श बनाने के बाद इन दोनों नक्शों में जो पहला नंबर नक्श है, इस नक्श को आप ताबीज़ की शक्ल में सीधे हाथ के बाजू में बांध लें, किसी भी कलर के कपड़े में सिल सकते हैं। और दूसरे नक्श को दिन के किसी भी वक्त किसी दरिया या नदी में खुला ही बहा दें। जिस दरिया या नदी में यह नक्श बहाया है, उस दरिया या नदी के किनारे खड़े होकर 11,000 बार या बुद्धू का विर्द करें।
ये पढ़ने का आपको 11 दिन बिना नगा आपको पढ़ना है, ये आपको 11 दिन लगातार करना है। रोज आपको नदी या दरिया के किनारे 11 दिन तक 11,000 बार, रोज आपको 11,000 बार या बुद्धों का वृत करना है। इतना करने के बाद आप इस अम्ल के आमिल हो जाएंगे। अब जब भी आपको जरूरत पेश आए, एक बार या बुद्धों का वृत करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये अम्ल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त के साथ।